नमस्कार, कैसे हैं आप सब? एक सवाल कि हम क्यों आए हैं इस जीवन में, वास्तविकता हमारी क्या है, क्यों हम साधना करें, क्यों हम धर्म के मार्ग पे चले, और धर्म क्या है, क्यों हम प्रेम पूर्ण व्यवहार रखें। ये सारे सवाल आपके मन में भी आता होगा, क्यों कोई असफल है, क्यों कोई असफल है, क्यों कोई बीमार रहता है, क्यों कोई स्वस्थ रहता है। ऐसे सैकड़ों प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको इस रिट्रीट में मिल सकते हैं। आपकी कुंडलनी शक्ति जो ना जाने कितने जन्मों से सोई हुई है, ये उसके जागरण की प्रक्रिया है। ये आपकी चेतना को उठाने की प्रक्रिया है। और ऐसे दिव्य क्षेत्र में नैमिष, जिसे तीर्थों का राजा बोला जाता है, जहां सभी देवी देवता वास करते हैं, तो ऐसे क्षेत्र में जहां स्वयं ईश्वर द्वारा स्थापित चक्र है, उस शक्ति को जब आप अनुभव करोगे शिव कृपा से, तो आप सोच भी नहीं सकते ऐसी दिव्य अनुभूतियां आपके होंगी जो आपके शब्दों में आप व्यक्त नहीं कर सकते, जिसका आप कोई मोल नहीं लगा सकते, जिसकी व्याख्या करना शायद आपके लिए संभव ना हो, इसे अनुभव किया जा सकता है। और ये शक्ति, ये ज्ञान, ये जो उपलब्धि तुम्हारे भीतर होगी, जो जागृति होगी, उन सभी देवत्व की वो नर से नारायण बनने की यात्रा होगी, जब तुम्हारे भीतर वो देवत्व जागृत होगा, तुम भी वो देवतुल्य हो गए, तुम भी पूजनीय हो गए, तुम भी कह सकते हो कि हाँ, अब मैं ये हूं। तुम अपनी पहचान, तुम्हें गर्व होगा तुम कौन हो। तो जरूर अपनी चेतना को जगाने के लिए, अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करने के लिए जरूर से आए। बाधाएं तो जीवन में आती ही है, और जरूर इसमें भी आएंगे, क्योंकि वो सारी नकारात्मकता, वो सारे नकारात्मक कर्म तुम्हें रोकेंगे कि नहीं, बस नहीं जाना, ये काम है, वो काम है। लेकिन एक तुम्हें देखना है, तुम क्या चाहते हो। मैं तो राह दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें है, निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम आते हो कि नहीं आते। मैं तो यही चाहूंगा कि सभी का कल्याण। मैं तुम्हारे लिए आखिरी पल तक प्रयास करूंगा कि तुम आ जाओ, उस कर्म के चक्कर में ना फंसो। लेकिन चुनना तो तुम्हें है, रास्ते तो तुम्हें निकालने हैं, क्योंकि जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे, मैं कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे, ईश्वर भी आपके कर्मों में हस्तक्षेप नहीं। एक मनुष्य ही ऐसा है जिसे कर्म करने का अधिकार है, और उसी के अनुरूप उसको प्रतिफल मिलता है। तो ये समय है शायद अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का, ये समय है शायद अपने जीवन को पूर्ण बनाने का, ये समय है शायद नर से नारायण बनने का। जरूर से आप इस शिविर में भाग लें, मुझे बहुत बेसब्री से आपका इंतजार है। आप सबका कल्याण, आप सभी का ईश्वर सद्बुद्धि दे, और मुझे भी दे के मैं आपको और ज्ञान दे सकूं, शायद आप अपने कर्म में ना फंसो। जरूर से इसके लिए समय निकाल। नमः शिवाय। धन्यवाद।